अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ये सब्जी की टोकरी बना रहा था तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूं कैसे बनाते हैं, ये सब्जियां वगैरह लगाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए। तो ये आम मिट्टी है, देखो भल मिट्टी, तीन से और चौथा हिस्सा इसमें गोबर खाद, वो मिक्स की है मैंने, और अंडे के छिलके। तो ये देखें कैसी मिट्टी बन गई है, बिल्कुल नरम भुरभुरी और कहीं सख्त नहीं होगी। लोग कहते हैं जी सख्त हो जाती है, सख्त कभी भी नहीं होगी, आप इस तरह अगर बना लेंगे। तो इसमें मैंने किया है कि डाला है पहले नीचे 2 इंच डाले हैं इसमें, यही जो सूख पत्ते नहीं होते, को पुरानी बेल, मैंने ये करेले की बेलें निकाली थी, ये वाली। तो ये एक दो बेलें डाल दी हैं इसमें, ऊपर डाल दिया ये मिट्टी, बस नीचे 2 इंच सूखे पत्ते, सूखे पत्ते या गीले पत्ते या किचन वेस्ट जो भी डाला, 2 इंच वो डाल के, तो ऊपर आपने ये डाल देनी है मिट्टी इसमें। तो ये आपका एक सीजन बहुत अच्छे से निकालेगी। अब मेरे देखें ना, ये छोटे छोटे गमलों में लगे हुए होते हैं और प्लांट देखो कैसे ज़बरदस्त हो जाते। मिट्टी यही है मेरी, बिल्कुल यही। ये देखें, ये फूल लगा हुआ, ये इसमें वो लगा हुआ है, स्नेक प्लांट लगा भी उगाया बीच में। ये देखो, ये 4 इंच का गमला है, 4 इंच भी नहीं बल्कि 3 इंच का, और ये कप है, डिस्पोजेबल कप। ये देखिए, तो एक दफा आप मिट्टी अच्छी बना लो तो अब ये देखें बिल्कुल ये तैयार है मिट्टी, क्रेट तैयार है। इसको 4-5 दिन छोड़ना है, ये देखिए, मतलब 4-5 दिन या हफ्ता, जब बीज को लगानी हो ना इसको छोड़ देना, इसी तरह पानी का नहीं देते रहना, बारिश हो जाए तो और अच्छा है। तो अब ये आपका बिल्कुल तैयार है, तो इस तरह आप तैयार कर लिया करें।